तो अब पकौड़ी पलटिए। कल की वीडियो एडिट करने के बाद हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हाथ में है दातून, जा रहे हैं दातून करने। और पीछे देखो कल वाली पार्टी का सब डब्बा पड़ा हुआ है, पिज्जा उज्जा आया था रात में। तो ये वाली पार्टी जो आज की वीडियो जा रही है उसमें है। और देखते हैं किचन में कौन है। ये देखो इतना सारा प्याज आज कटा है, इसका क्या बनेगा? कटहल की सब्जी पकौड़ी। तो भैया अभी बनेगा पकौड़ी थोड़ी देर में और कटहल की सब्जी भी। ये कटहल बॉयल की, ये देखो कटहल ये बॉयल की है, उसके बाद इसको काट देंगे। पीछे वाला जो दिख रहा है खुरदरा वाला लेयर, इसको पूरा हटा देंगे, फिर इसका बनेगा सब्जी। इसमें आलू पड़ेगा कटहल की सब्जी में? आलू डाल के बनेगा? अपने घर नहीं डालते हैं कटहल में आलू डालते। तो भैया हमारे घर में जब कंचन दीदी थी तो वहाँ बता रहे हैं कि कटहल में आलू नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पड़ता है। तो आलू डाल के यहाँ कटहल की सब्जी बनेगी। सब सब्जी अलग बनती है वहाँ से। अच्छा, यहाँ का तरीका सब अलग है सब्जी बनाने का? सब अलग है, हम जैसे खाते हैं, मतलब कटहल का ऐसे बना देंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। ओह चलो ठीक है, बनाओ जैसे यहाँ बनता है। ये देखो पकौड़ी वकौड़ी बन रही है, गर्मा गर्म तेल और उसी में पड़ गई पकौड़ी। और ये बेसन काहे काहे आटा में हल्दी मिला के बेसन बनाए हो? अरे तब तो पेट दर्द करेगा, मैं नहीं खाऊंगा तब तो। तो अब पकौड़ी पलटिए। तो आपका क्या कहना है पकौड़ी के बारे में, गाइस को आप पूछेंगे कि नहीं? जिसको खाना है आ जाइए, जिसको खाना है आ जाइए, ठीक है। के लिए हम ये पकौड़ी गर्मा गर्म जो निकल रही है थोड़ा सा इस प्लेट में ले लें। हाँ निकाल दो। चाय हमने छान ली है, चाय किधर गई? ये है, चलो। और चटनी भी है, चटनी कहाँ है? ये तो ये सारा कुछ लेके हम चल रहे हैं अब टेबल के पास, आराम से बैठते हैं और खाते हैं। आ गए टेबल पे। और आज किसी को नहीं पूछेंगे, अकेले ही खाएंगे, बाय बाय। तो अभी गाइस को देखो क्या कर रहे हैं, आंख में कुछ पड़ गया लगता है। इधर ये दोनों लोग लड़ झगड़ रहे हैं। एक थप्पड़ फिर से मारो, मारो मारो। मम्मी जी भी इधर देखो मोबाइल वोबाइल लेके सबका ब्लॉग व्लॉग देख रही हैं, पर्डे वाला। तो भाई हमारा बैग वैग कहाँ रखा है? ये है, ये रहा। अब हमको चलना है घर। अब हम जा रहे हैं कपड़े चेंज करने और निकलते हैं घर। ये हाफ वाफ पहने हैं, शॉर्ट शॉर्ट्स, इसको सब चेंज करके पैंट वैंट पहने, जूते वूते, फिर निकलते हैं घर के लिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं और घर के लिए। देखो पीछे गाड़ी खड़ी है। ठीक है ठीक है, बस गाड़ी वाड़ी के लिए बस अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो चले मम्मी। चले फिर बाय बाय, दीदी बाय। अरे भगवान यार, जौनपुर वाली बस से मैं उतर के आ गया हूँ सिविल लाइन बस स्टैंड। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि बस लूँ लखनऊ की, देखते हैं यहाँ से लखनऊ की दूसरी बस लेते हैं और घर पहुँचते हैं। मुझे उतरना पड़ेगा ऊंचाहार में या फिर आलापुर में, क्योंकि लखनऊ तो जाना नहीं, इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में ही मेरा घर पड़ता है। तो अभी हम बस ढूंढते हैं। ये रख दिया हमने अपना बैग और इधर है सीट, ये अपनी सीट। घर जाने के लिए हमने अपनी दूसरी बस भी सिलेक्ट कर ली, उसी में बैठा हूँ मैं। और ये बस हमको ऊंचार तक छोड़ देगी। और बात करें इस बस की तो ये बस जाएगी लखनऊ तक, जिनको लखनऊ जाना है वो इस बस में बैठेंगे तो लखनऊ तक ड्रॉप कर देगी। देखो हम आ गए अपनी दुकान पे और पहुँच आए हैं अपने घर वापस जौनपुर से। देखो बैग वैग लेके आ गए हैं, चल रहे हैं अंदर। और हाँ, जो टिकट था यार, टिकट का प्राइस 193 प्रयागराज से ऊंचाहार तक का, ये इसमें उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ मैं ऊंचाहार में उतर गया, ऊंचाहार से पहले अरखा में मेरा घर पड़ता है। ऊंचाहार यहाँ से 3 किलोमीटर है। और बैग वैग अपना लिए आए हैं, बैग जो सामान था सब दे कर आ गए त्योहार व्यवहार। और अब देखते हैं शाम का पूजा का वक्त हो रहा है यार, 5:45 बज रहे हैं अभी, मम्मी पूजा वगैरह करेंगी। तो फिर आगे का देखते हैं, जो भी सीन है कपड़े वपड़े चेंज कर लें।
तो भाई अभी हम आ गए हैं दुकान में और देखो पूजा उजा सब हो गई है, हम हो गए लेट, ऊपर खा रहे थे चिप्स पापड़, सब हो गया लेट, पूजा उजा ख़त्म और मम्मी इधर अभी जाएंगी खाना वाना बनाने के लिए रात का, क्योंकि शाम के टाइम हो रहा होगा करीब, टाइम देखो हो रहा है 7:15 बज रहे हैं, तो अब खाना वाना मम्मी बनाएंगी, हम चल रहे हैं इसको खाने, संतरा बैठ के आराम से दुकान पे। भाई जब निमंत्रण का सीजन चल रहा होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही डेट को कई सारे निमंत्रण पड़ जाते हैं, तो अब भाग भाग के सारे निमंत्रण अटेंड करना पड़ता है, एक ही डेट को 2-3-4 ऐसे हो जाते हैं, तो फिर लड़की वाले में पैसा देना या रामायण हो गई कहीं तिलक हो गया तो हर जगह अटेंड करना होता है, लोगों से मिलना पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आज भी है, चलते हैं अभी फिर। भाई हम निमंत्रण खा के आ गए वापस घर अपनी दुकान पे, और निमंत्रण में क्या क्या था हमने दिखाया ही आपको, और भाई समय जो हो रहा है वो घड़ी कह रही है 8:15 के आसपास, तो अब हम अपनी दुकान बंद करेंगे, दुकान देखो अभी खुली है, शटर खुला है, तो दुकान अपनी बंद कर दें, और मम्मी तो खाना खाएंगी, पापा एक दूसरी जगह निमंत्रण गए हैं, हम तो रामायण में गए थे, और पापा गए हैं एक जगह है शादी का निमंत्रण, बारात का, तो वो बारात करके आएंगे और मम्मी घर पे खाना खाएंगे, हमने खाना खा लिया, आप लोग भी खा लो, और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जो लोग नए हो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, बस इतना ही करना है, बाकी आप लोग खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।